नमस्ते, मैं विवेक तिवारी, स्टोर मैनेजर U3OD कुदरा। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल को स्क्रॉल कैसे करें, है ना। तो हम अब शैप ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो शैप ओपन करते ही हम अपना टी कोड जेड स्टोर पुट करेंगे और एंटर। फिर उसके बाद हम यूटिलिटी बिल प्रोसेसिंग यहां जाएंगे। उसके बाद हम यूटिलिटी बिल क्रिएशन, तो ऐसा हमारा इंटरफेस खुलेगा। तो कंपनी कोड जैसे हमारा NP01 और इधर एप लोकेशन कोड में हम अपना स्टोर कोड डालेंगे, है ना। देन इंटर, तो हमारे इंटर करते ही फिर हमारा बिल टाइप, जो ये बिल टाइप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो हम EL करेंगे, है ना। फिर इंटर, तो हमारा वेंडर कोड जो है ना, जो हमारा वेंडर कोड होगा वो अपने आप वेंडर कोड पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इनवॉइस नंबर, यहाँ इनवॉइस नंबर है, तो जैसा कि हमारे बिल में देखिए, जैसे इनवॉइस नंबर ये है बिल संख्या, है ना। चाहे ये भी हम कर सकते हैं उपभोक्ता संख्या, है ना। तो यही बिल नंबर है हमारा, तो वो हम पुट करेंगे इनवॉइस नंबर में। इसके बाद हमारा इनवॉइस अमाउंट ये है, जैसे कि देखिए इनवॉइस अमाउंट हमारे पास 34,603 रुपये है। जैसे यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर के नीचे जस्ट हम पुट करेंगे इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ पे इनवॉइस डेट डालेंगे, है ना। इनवॉइस डेट हमारा, जैसे ये बिल में हमारा है, देखिए बिल तिथि है ना, तो देखिए हमारा 10/9/2022 का है, तो हम वही पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमारा जीएसटी पार्टनर में हमारा सेम होता है जो हमारे पास वेंडर कोड है ना। तो हम इंटर करेंगे जो इनवॉइस डेट डालने के बाद, तो हमारा जीएसटी पार्टनर सेम ले लेगा फिर, है ना। तो फिर हम जीएसटी नंबर यहाँ पे, तो जीएसटी नंबर इधर, तो जीएसटी नंबर जैसे कि हमारा बिल पे यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हम उसको पुट करेंगे। जैसा कि हम जीएसटी नंबर डाल दिए जो कि हमारे बिल पे दर्शाया गया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, है ना। फिर उसके बाद हम बिजनेस प्लेस, इसमें हम डालेंगे इंडिया बिहार, मैं बिहार में है मेरा स्टोर, तो मैं INBH कर दूंगा, है ना, वहां पे। हाँ, जैसा कि देखिए हमने INBH कर दिया हुआ है बिजनेस पैलेस में, यानी इंडिया बिहार। उसके बाद जीएसटी नंबर, जो हमारा कंपनी का जीएसटी नंबर है जो कि हमारा रिलायंस का, वो हम जीएसटी नंबर डालेंगे, है ना। हम जैसे ही इंटर किए तो अब ऐसा हमसे पूछ रहा है कि ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं, तो हम कंफर्म यस करेंगे, है ना। तो जब हम यस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, है ना। तो जब ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो हम इंटर करेंगे, जैसा कि हमारा बिलिंग डिमांड में हम क्या डालेंगे, बिलिंग डिमांड में हम अपने बिल पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा बिल दिवस कब तक का है, तो 31 डेज का है, ठीक है। तो हम वो वहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है यूनिट्स, तो हमारे पास कितने यूनिट्स हमने खपत किए हैं, तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि कुल खपत हमने कितना किया है, 2538, ठीक है। तो हम ये कुल खपत हम यहाँ पे अपना यूनिट्स के कॉलम में फिल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम यूनिट्स भी फिल कर लिए, तो अब हम आते हैं कि करेंट पीरियड बिल। तो करेंट पीरियड बिल में हमारा जो करेंट पीरियड बिल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है 34,603 रुपये, वो हम फिल करेंगे, ठीक है ना। एरियर्स पे ये यहाँ पे हम जीरो क्या है, लेट फी भी हम जीरो नहीं पे कर रहे हैं, सर्विस टैक्स सब भी जीरो करेंगे हम, ठीक है। अब अमाउंट पेबल आफ्टर ड्यू डेट, ये हमारे पास दो डेट हैं, एक 5/10/2022 को, ये या तो हम ये दोनों राशियों में से यानी कोई एक राशि वहां पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो हम सारे जब फिल कर लेंगे उसके बाद हम इंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये पेज खुल जाएगा, ठीक है ना ऐसे। तो अब हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे, ठीक है ना।
तो अब हम ये स्क्रॉल नंबर को अपने यहाँ बिल नंबर पे, ये बिल वाले जो कागज है यहाँ पे, हम इस पे स्क्रॉल नंबर को लिख लेंगे कि हमने, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो आप भी स्क्रॉल नंबर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले पेज पे लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ यस क्लिक टिक करेंगे, ठीक ना। तो हमें ये प्रिंट कर लेना होगा, ठीक। तो हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया ना, तो ये जो हमारे पास प्रिंट टाइम है ना, शैप इज फुल ओनली फॉर नाउ है ना, तो ये नहीं करेंगे हम, इमिडिएटली कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यस कर जाएंगे, तो हमारे पास प्रिंट उधर से निकल, हमारे प्रिंटर से प्रिंट आने लगेगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।